share together. फिल्म मेकर करण जौहर अक्सर ही अपनी फिल्म में नए टैलेंट को लॉन्च करते हैं। वरुण आलिया को ब्रेक भी करण जौहर की फिल्म से ही मिला। अब उन्होंने जानवी कपूर को भी अपनी अपकमिंग फिल्म धड़क से लॉन्च किया है। कई बॉलीवुड सितारों का कहना है कि करण जौहर नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं। कई बार इस टॉपिक पर करण ने अपनी राय भी दी है और हाल ही में धड़क के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे करण जौहर एक बार फिर इस मुद्दे पर बोलते दिखे। अपने नाम के आगे जा सके और अपनी खुद की पहचान बना सके, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि आजकल नाम के बारे में इतना कुछ चर्चा हो रहा है, सब नाम के पीछे पड़े हैं, ये भूल जाते हैं कि नाम के पीछे भी मेहनत है, दिल है, लगन है, जोश है, जुनून है। उन सबको मद्देनजर रख के सबको फिर डिसाइड और तय करना पड़ता है कि आसान नहीं होता कैमरा के सामने को फेस करना, ऑडियंसिस को फेस करना, यहाँ ऐसी मीडिया को फेस करना मुश्किल काम होता है। ये बच्चे हैं और हमेशा हम कोई टैग डाल देते हैं, कुछ वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे आज सीजन का वर्ड या दो साल चला है ये शब्द, वो शब्द मैं इसका इस्तेमाल भी नहीं करूँगा क्योंकि मैं फिर बढ़ावा दे रहा हूँ उसी कॉन्सेप्ट को। बस यही कहना चाहूँगा कि लोग यहाँ उस शब्द की वजह से नहीं है, अपनी मेहनत की वजह से। वेल, ये तो आपने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि बॉलीवुड के कितने ऐसे स्टार किड्स हैं जिन्हें लॉन्च करने के बाद भी वो हिट नहीं हो पाए हैं। बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए माया मूवी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।